हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं UPDLET सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ठीक है, जैसे कि आज की 9 बजे वाली क्लास नहीं चली, ठीक है, मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए नहीं बना पाई, आप सभी से सॉरी। तो आज का जो हमारा जो ये सब्जेक्ट है, इसका जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं NCFTA 2009। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे कि शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा क्या है। बहुत ही कम है, ठीक है, आपकी जो तैयारी हो इससे बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो देखिए, इसको थोड़ा जूम करते हैं, है ना। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। साक्षरता दर, बुनियादी ढांचा और विद्यालय के वातावरण में निरंतर सुधार हो रहा है और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 भारत की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो लाइन है वो यही है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 भारत की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में उगाया गया अत्यंत दूरगामी कदम है। इससे देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन अपेक्षित है, यानी जो भी व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, उसमें परिवर्तन होगा और इसके लागू होने से जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसके समक्ष अनेक चुनौतियां भी उत्पन्न हुई हैं और इस परिस्थितियों में विद्यालय में योग्य शिक्षकों की मांग अत्यधिक बढ़ा दी गई है। क्योंकि योग्य शिक्षक ही रहेगा तभी तो योग्य स्टूडेंट भी बन सकेंगे। अगर योग्य शिक्षक ना रहे तो फिर योग्य स्टूडेंट कहाँ से बनेंगे। जो स्टूडेंट को मार्गदर्शक बनाता है उसमें जो शिक्षक का रोल होता है सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए इस अधिनियम में यही बोला गया है कि जो शिक्षक होना चाहिए वो योग्य होना चाहिए, ठीक है। और शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 शिक्षक शिक्षा हेतु नवीनतम दस्तावेज है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य योग्य पेशेवर और मानवीय मूल्यों से युक्त शिक्षकों को तैयार करना है। जो इस आज का जो टॉपिक हमारा है उसका मेन उद्देश्य मकसद यही है कि जो भी शिक्षक हो उनके पास ये योग्यता, क्षमता, क्वालिटी, ठीक है, ये सब कुछ होना चाहिए। तो ये दस्तावेज तैयार किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। इस दस्तावेज में शिक्षक शिक्षा हेतु प्रमुख सुझाव जो है वो निम्नलिखित है। अब देखिए, फर्स्ट इसमें क्या दिया है, तो फर्स्ट जो दिया है शिक्षक, ठीक है, शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान मूल्यों के विकास पर जोर दिया जाए। मतलब जब प्रशिक्षण हो तो उस टाइम उससे वो जो भी प्रशिक्षण हो रहा है इफ़ेक्टिव है या नहीं, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। मूल्यों के विकास में प्रयोगात्मक और क्रियात्मक तकनीकी को समाहित करने की आवश्यकता है। मतलब जो कुछ भी एक शिक्षक पढ़ाएगा उसको प्रयोग करके, प्रैक्टिकल करके, उसको करके दिखा के, ठीक है, तभी वो पढ़ाएगा तो वो क्या होगा, इफ़ेक्टिव होगा। दूसरा जो पॉइंट कह रहा है कि प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक जानकारी दिया जाना चाहिए। मतलब जब प्रशिक्षण होता हो उस टाइम प्रशिक्षुओं को सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक जानकारी दिया जाना चाहिए, इससे वे भविष्य में अपने ज्ञान को अद्यतन रख सकेंगे। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि प्रशिक्षण के अवधि में, ठीक है, प्रशिक्षण जिस टाइम प्रशिक्षण होता है उस समय में प्रशिक्षुओं को यह बताना चाहिए कि शिक्षण सामग्री को ऑडियो वीडियो रूप में कैसे परिवर्तित किया जाए। ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे वे स्वतंत्र रूप से इस विद्या को स्वयं सीख सके और इस विद्या से पठन पाठन को मनोरंजक बनाया जा सकता है। क्लियर। अब देखिए, चौथा पॉइंट क्या कहता है कि
समय समय पर शिक्षकों को दृष्टिकोण विकसित करने से संबंधित प्रशिक्षण प्रक्रिया पर जोर दिया जाना आवश्यक है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षकों को बच्चों के प्रति समझ, शिक्षकों के प्रति समझ से संबंधित दृष्टिकोण यानी विजन या अप्रोच, ठीक है, विकसित करने के लिए प्रशिक्षण सामग्री का समाहित किया जाना आवश्यक है। देखिए इसमें ये क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट जो है इसमें यही कह रहा है कि जो आपका, ठीक है, मतलब हर टाइम शिक्षकों का जो अप्रोच यानी दृष्टिकोण विकसित करने से संबंधित प्रशिक्षण प्रक्रिया पर ज़्यादा जोर देना आवश्यक है। प्रशिक्षण के दौरान जब शिक्षक प्रशिक्षण या कुछ भी पढ़ा रहा हो तो उस टाइम स्टूडेंट के प्रति समझ और शिक्षकों के प्रति समझ, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य वस्तुओं के प्रति समझ, यानी वो जो स्टूडेंट है वो समझ पा रहा है या नहीं, इस पे आपको मूल्यांकन भी करना होगा। यही चौथा ये पॉइंट कह रहा है। अब देखिए अगला 5 पॉइंट कह रहा है कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाषा, गणित, सामाजिक विषय एवं विज्ञान विषयों के पाठ्यक्रम भी शामिल किए जाने चाहिए। मतलब जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसमें जो गणित, ठीक है, भाषा, गणित, सामाजिक विषय एवं विज्ञान विषयों का पाठ्यक्रम भी शामिल होना चाहिए। 6 पॉइंट ये, फिर यहाँ 6 पॉइंट कह रहा है कि प्रशिक्षुओं के यानी जो भी प्रशिक्षु हैं उनके पाठ्यक्रम में बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास के आकलन से संबंधित प्रशिक्षण सामग्री को समाहित करने की आवश्यकता है। मतलब जो बच्चे का जिस तरीके से मानसिक अभी जो भी प्रक्रिया है उसी के अनुरूप, उसी से संबंधित जो पाठ्यक्रम है, जो भी सामग्री है उसी के अनुसार आपका प्रशिक्षण भी होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए 7 पॉइंट क्या कहता है कि 7 पॉइंट कहता है कि प्रशिक्षण के दौरान, ठीक है, प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में जैसे कि प्रश्न पत्र निर्माण, पाठ्य पुस्तक विश्लेषण, मूल्यांकन प्रक्रिया आदि के संदर्भ में क्रियात्मक प्रायोगिक कार्य पर विशेष जोर देना चाहिए। ठीक है, मतलब पढ़ाते समय आपको ये भी प्रश्नों का निर्माण करना है, प्लस पाठ्य पुस्तक का जो भी आपके सिलेबस में है, जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसका विश्लेषण करना है, फिर आपने जो पढ़ाया उसका मूल्यांकन जांच करना है कि क्या उनको समझ में आया है या नहीं, उसके बाद आपको करके सिखाना है, प्लस अगर नहीं समझ में आया तो आपको प्रैक्टिकल के थ्रू उनको समझाना है। तो इस तरीके से आपको प्रशिक्षण के दौरान सावधानी या फिर ध्यान रखने वाली बातें हैं। अब देखिए 8वां जो पॉइंट कह रहा है, 8वां पॉइंट ये कह रहा है कि प्रशिक्षण के दौरान, क्लियर, प्रशिक्षण के दौरान इंटर्नशिप से संबंधित क्रियाकलापों को प्रायोगिक रूप से किए जाने की आवश्यकता है। जो भी आपने इंटर्नशिप, जैसे कि आप सभी को पता है इंटर्नशिप क्या होता है, तो उसको एक प्रैक्टिकल के थ्रू या करके आप उन सभी को बताएंगे। अब देखिए सैद्धांतिक प्रश्न पत्र की विषय वस्तु अंतर क्रियात्मक एवं कक्षा में सीखने सिखाने संदर्भित होनी चाहिए और प्रशिक्षण सामग्री विकसित करते समय विषय वस्तु को अंतर क्रियात्मक एवं व्यवहारिक रूप प्रदान करने की आवश्यकता है। 10 पॉइंट ये कहता है कि टीचिंग लर्निंग सेंटर, टीचिंग लर्निंग सेंटर की स्थापना की जाए जहां सेवा पूर्व एवं सेवारत शिक्षक बच्चों को शिक्षण के संदर्भ में व्यवहारिक प्रयोगात्मक कार्य करके अपना व्यवसायिक विकास कर सके। प्रशिक्षुओं के लिए पूर्व बाल्यावस्था शिक्षण की तकनीकी पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं की अनौपचारिक प्रौढ़ शिक्षा विषयक प्रशिक्षण तकनीकी पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। और अनौपचारिक शिक्षा वही होता है जिसमें ज़्यादा फीस नहीं लगता है, जो बेसिक जानकारी दिया जाता है। औपचारिक शिक्षा जो होता है उसमें ज़्यादा फीस दिया जाता है, ठीक है, जॉब तो मिलती है लेकिन उसमें ज़्यादा फीस कॉलेजेस में आप सभी को जाकर पढ़ना होता है। जैसे कि हमने 3 शिक्षा के प्रकार डिस्कस किया था, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा और एक दुरुस्त शिक्षा हमने डिस्कस किया था। अब देखिए 13 है आपका कि 10+2 स्तर के बारे में 4 या 5 वर्ष का प्रशिक्षण कोर्स होना चाहिए। फिर कह रहा है कि जो 14 है कि विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ समेकित रूप से शिक्षा हेतु, मतलब जो विकलांग बच्चे होते हैं, ठीक है, उनसे थोड़ा भी भेदभाव नहीं किए जाए, सभी बच्चों के साथ उनको पढ़ाया जाए। अब देखिए विकलांग बच्चों के प्रति समझ एवं पहचान से संबंधित विषय सामग्री तैयार किया जाए। जो भी वैसे बच्चे हैं उनके जैसे कि किस तरीके से वो समझ पा रहे हैं उसी के अनुसार पाठ्यक्रम या जो आपका पढ़ाने का तरीका है कि किस तरीके से वो समझे, आपके हाव भाव,
ठीक है, भाषा ये सब कुछ। उसके बाद ये कहता है कि सेवारत शिक्षकों को विकलांग बच्चों के शिक्षण, ठीक है, यानी एक शिक्षक को चाहिए कि जो भी विकलांग बच्चे हैं उनके लिए कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट, कौन से ऐसे सामग्री हैं जिसके थ्रू ये सीख सकते हैं। फिर 15 पॉइंट ये कहता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा संबंधित प्रशिक्षण दी जाए। तो ये है पूरा जो आपका टॉपिक था जो आज हमने डिस्कस किया कि शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा। तो बहुत ही अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ से अभ्यास प्रश्न शुरू हो गया है। तो हमने आपसे भी इसे डिस्कस भी किया था कि जब पूरा आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, जितना भी चैप्टर है आपके इस सब्जेक्ट में, तो हम एक बार बिल्कुल शुरू से जितने भी इस मतलब लेसन वन का अभ्यास, वन लेसन टू, इस तरीके से बहुत ही अच्छे से और नोट्स के थ्रू समझेंगे गाइज। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं साइंस वाली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। और मैं आप सभी को टाइमिंग में बता दूँ कि इस क्लास की जो टाइमिंग होती है, देखिए, जो सबसे फर्स्ट आपका जो सब्जेक्ट होता है वो होता है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, उसकी जो टाइमिंग होती है वो सुबह 9 बजे होती है। और जो इस विषय का टाइमिंग है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, वो 11 बजे की टाइमिंग होती है। उसके बाद साइंस की, मतलब आपका एकदम क्रमबद्ध तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, है ना। उसके बाद जो साइंस होता है वो 1 बजे होती है। फिर आपका जो मैथ होता है वो 3 बजे होता है। फिर आपका जो सोशल स्टडीज होती है, 5वां पेपर होता है, वो सामाजिक अध्ययन होता है। फिर आपका हिंदी होता है वो 7 बजे होता है। उसके बाद आपका लास्ट इंग्लिश ही बच जाता है, तो वो आपका 9 बजे उसकी क्लासेस चलती है, प्लस फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस भी चलती है 8 बजे और 10 बजे, ठीक है। रिवीजन के लिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं गाइज, तो आप ये टाइम टेबल है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। और देखिए, अभी डेट मैंने आप सभी को बताया भी था, जो एग्जाम डेट है उसकी, आप एग्जाम डेट की बिल्कुल भी जो चिंता है उसको छोड़ दीजिए और बस आप घर पे रहिए और अपना स्टडी करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।